नहीं हवा वापस रुक जाओ। आइए, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं अब बढ़िया फील कर रही हूँ जैकेट पहनने के बाद। यार अंदर से यहाँ सेंट्रली हीटेड होता है ना, तो पता नहीं चलता कितनी ठंड होगी बाहर, पर बाहर इतनी ज्यादा ठंड होती है कि जैकेट पहनना दरवाजा बंद कर दो। रोहिन दीदी भी आ रहे हैं अभी। हाँ, पर फिर भी ठंड चली जाएगी। हाँ, यस, रोहिन दीदी बिल्कुल भी खिड़कियाँ नहीं खोलने देती है, बोलती है नहीं 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 मेरे घर का टेम्परेचर खराब हो जाएगा। तो यस, अभी हम बाहर वॉक करने के लिए आए हैं और आज थोड़ी थोड़ी धूप निकली है इतने दिन बाद। जब से हम आए हैं ना, बिल्कुल धूप नहीं देखी हमने। यहाँ पे बड़ी कम धूप निकलती है, हमें नहीं पता थी ये बात। और मैं तो टेंशन में चली गई थी, मैं कहा यार धूप देखे बिना तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। और हमारे हिमाचल में कैसा होता है यार, धूप आएगी, धूप सेकने बैठेंगे सर। और ऊपर से हम है जादू जिसको धूप से ही एनर्जी मिलती है। हमें लगता था हिमाचल जैसे ही ठंडा होगा, लेकिन अभी हिमाचल में इतनी ठंडी हुई जितनी यहाँ है। आज यहाँ है 0°C और इट फील्स लाइक -6। वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड। हमें इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यू नो वेलकम टू कनाडा, हमें बहुत अच्छा लगा आप कनाडा आए। आई वाज सरप्राइज टू सी कि हमारे इतने सारे सब्सक्राइबर्स कनाडा में। थैंक यू गाइस, आप हमें ढेर सारे कमेंट कर सकते हैं। ये छोटी बबल गम, बड़ी बबल गम, एक्चुअली आई डोंट नो कलर से बोल रहा हूँ मैं। जल्दी चलो भाई, हाथ सुन्न हो गए मेरे। यार हम चप्पल में ही आ गए और चप्पल में तो ठंड नहीं, पैर में नहीं लग रही है। तो आपने भी नहीं पहनी है? मैं तो यही थी ना। बहुत ठंड है, मतलब जैसे मैं फोन अरे हाथ ऐसे हो गए, सफेद हो गए हैं ठंड से। नहीं, टी शर्ट है बट अंदर नहीं लग रही है जैकेट की वजह से, हाथ में लग रही है। ये व्लॉगिंग का चस्का है, जैसे कैमरा ऑफ होगा फिर करेंगे। A few moments later, यार ज्यादा वॉक हमसे हो नहीं पाई। हम एक्चुअली सही क्लोथिंग पहन कर नहीं आए हैं, बहुत ठंड है। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि मेरे को फ्रीजर में रख दिया किसी ने। ओफ, बिल्ली तो यहीं बैठी है हमारे इंतजार में। कोको, कोको यहाँ बैठी है स्वागत के। दीदी भूख लग रही है, अब तो कुछ खाना पड़ेगा। तुम एक मामूली से बिल्ले से डर रहे? तू जाके फिर वो देख, खड़ी है तेरे स्वागत में। उड़ती भी आई है मेरे ऊपर बिल्ले से। अरे यार मुझे फंसा दिया फिर से अकेले। यहाँ यहाँ से रस्सी डालो। मैं वहां से नहीं जा रहा। द शो कंटिन्यूज। हमने बनाया है फ्रूट बोल जो कि खत्म हो चुका है, दिखने के लिए नहीं बचा है। स्पीड दिखाओ दीदी की। दीदी छिपा टू हंग्री। हां, फिर हर बात के अंदर बोले कि आई हैव अ बेबी इनसाइड। फिर हम कुछ नहीं बोल पाते इसलिए इसको पहले खिला लेते हैं। यस, और वैसे भी कम का ज्यादा टाइम के लिए तो चलना नहीं है, बच्चे किसी ने पूछना नहीं है, कम से कम अभी चला लो। नहीं, वैसे रोज दिन है और दिन हमें खिलाते थे, आज से हमने सोचा कि हम रिज्यूम करते हैं ड्यूटी, बिकॉज मम्मी रोज पूछते हैं हमसे दोनों। मम्मी आज रोहिन दीदी ने हमें ये खिलाया वो खिलाया। ब्रेकफास्ट हो गया, साथ में हम देख रहे व्लॉग्स। नैना जा, डर मत, उड़ जा उड़ जा, जा ऊपर जा। तुमने मेरी बिल्ली इतनी बदनाम कर दी है। नैना उड़ जा उड़ जा, ये नहीं करती कुछ। बैठी हुआ आस में हमारी। तुमने बोला वो आपका रास्ता रोके इसलिए बैठी थी, क्योंकि हमने पैसे नहीं डाले उसे। अपनी साली को, मेरी साली है उड़ जा। रुला दिए इसके डर से, मुंह ऊपर नीचे नहीं जा पा रहे यार। क्या चाहती हो कोको? कोको नो, कोको अभी के लिए ना हम बिल्ली से डर डर के पत्नी कैसे तैसे अपने रूम पे पहुंचे और हम रेडी होने के लिए आए हैं, और उसके बाद हम कहीं बाहर जाएंगे घूमने के लिए। तो ये है मेरे रूम से व्यू, बड़ा सुंदर सा। सो गाइस, अब हम फटाफट से रेडी होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सीन है। सुबह होती है यहाँ पे 7:30-8:15, मतलब तब उजाला आता है, और शाम उससे भी जल्दी हो जाती है, 4:30-5 बजे के आसपास यहाँ शाम हो जाती है, मतलब प्रॉपर अंधेरा हो जाता है। तो जो डे लाइट की विंडो है ना वो बहुत कम है, तो हम सोच रहे हैं डे लाइट में बाहर निकलते हैं। उसके लिए हमें फटाफट से रेडी होना होगा, और उसके लिए
मेरे पास एक बहुत ही मस्त चीज है रेडी होने के लिए, वो है ममाअर्थ का ये हाइड्राग्लो सीसी सीरम जो है SPF 30। इट इज इनरिच्ड विद द गुडनेस ऑफ विटामिन सी फॉर इंस्टेंट ग्लो एंड हाइलुरोनिक एसिड फॉर हाइड्रेशन। यूजुअली बीबी क्रीम एंड सीसी क्रीम आर वेरी हैवी इन टेक्सचर एंड इट इज द फर्स्ट टाइम सीसी हैज बीन मेड इन मोस्ट लाइट वेट हाइड्रेटिंग सीरम फॉर्मुलेशन। इसमें 3 शेड्स आते हैं और आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग इसे चूज कर सकते हैं। अब मैं अपनी लुक को कम्प्लीट करने के लिए लगाऊंगी ममाअर्थ का नरिशिंग नेचुरल लिप चीक एंड आई टिंट। इन टिंट्स में 3 शेड्स आते हैं, बीट रेड शेड, कोको न्यूड शेड एंड रोज पिंक शेड। और ये सभी प्रोडक्ट्स मेड सेफ सर्टिफाइड है, विच मीन्स दे आर सेफ फॉर एवरीडे यूज। सो ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स की गुडनेस तो हमने जान ली, बट अगर मैं आपको ममाअर्थ के बारे में बताऊं, इन्होंने एक प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें जब भी आप ममाअर्थ.in से अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ये आपके ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक कर देगी और 2025 तक ये एम कर रहे हैं 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करने का। और अच्छी बात ये है कि अब आपको ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपके नजदीकी स्टोर्स पे ऑफलाइन भी अवेलेबल है, बट अगर आप इसे ऑनलाइन ही खरीदना चाहते हैं तो आप इसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या नायका से ले सकते हैं। और अगर आप इसे ममाअर्थ की ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट से लेते हैं यूजिंग माई कूपन कोड विच इज Jyotika2023 तो आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा और लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। तो अब मैं जाती हूँ नीचे खाना खाने, सब मेरा वेट कर रहे हैं। पहले 2 दिन तो मुझे पूरी इज्जत से खाना मिला था, सर्विंग बोल्स में सभी कुक कर ला के रख दिए। और देखो मम्मी ने ना घर से वहां को खूब सारा मक्खन वगैरह भेजा था, बट यहाँ पे भी मक्खन मिलता है, रज रज के दही भी मिलती है। और देखो इतना बड़ा बकेट है दही का ही है। और तो और यहाँ पे बताए ये भी खाएगा इतना कुछ सामान भेजा था मम्मी ने, काजू बादाम वो सब तो आपने देखे थे हमारी पैकिंग में क्या क्या था, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। हम तो कल देख के परेशान हो गए, मसाले तक सारे मिल रहे थे। मैं यार हम फालतू चक के लाए इतना सामान। डबल चिन आ रही है? नहीं कुछ नहीं आ रहा है भैया, बच्चा है आपके पेट में थोड़ा तो आएगा। पेट में मुंह में थोड़ा है थोड़ा लाइक स्पैजम डरा दिया भाई। सही बात है, मुझे लगा बिल्ली है। टांग सीधी करो आगे को, तो चलो अभी जल्दी लेट हो रहे भाई। हमने आज यहीं बजा दिए 4:45, अंधेरा हो गया। वेरी गुड, क्या बोलते इसे खजूरी गुतना। अच्छा लड़े हो आप, मुझे रोजी बोलती इधर आ रही है मेरे बाल बनाने, मैं कहा नहीं आ रही, आ जा। मैं कहा हड्डी एक लड़ेगी भी फिर भी रोब मुझ पे दिखाती है। लड़ती तो तू है ना, पत्नी से बना के रखूं या ना रखूं, साली से बनानी बहुत जरूरी है क्योंकि सारे चलो तो जल्दी से चलते हैं। और जिस चक्कर में थे ना हम कि आज दिन दिन में बाहर निकल जाएंगे, शाम ही हो जानी है, अभी हो गई है शाम, बारह अंधेरा हो गया, 5 मिनट ये देखो अंधेरा होने लग गया है। जिस चीज का डर था वो हो ही गया, एक्चुअली शाम हो गई और अब हम निकल रहे हैं। मौसम बहुत ही मस्त है, थोड़ी देर पहले ना ऐसा लग रहा था बर्फ पड़ने शुरू हो गई है, थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ भी रही थी। ठंड एक्चुअली यहाँ ज्यादा इस वजह से भी, बिकॉज यहाँ हवा बहुत तेज चलती है, मतलब थोड़ी देर पहले बर्फ उड़ती भी जैसे, वही मैं बता रहा था कि थोड़ी देर पहले बर्फ पड़ रही थी और अभी मौसम साफ तो नहीं है, लेकिन अभी बारिश बर्फ कुछ नहीं हो रहा है। कहीं भी ले चलो, जो बहुत ही हैपनिंग सी जगह यहाँ की, तेल खुद ही भरते हैं, मैं भी देखता हूँ कैसे ठंड लग रही है। भी देख बर्फ पड़ रही है, I swear वही तो दिखा रही थी। वाह भाई, यहाँ खुद ही पेट्रोल पंप वाले बनना पड़ता है। चलो पहुंच गए फाइनली। कितना बड़ा है, कितने फ्लोर्स हो गए इसमें कम से कम, कितना बड़ा क्रिसमस ट्री है ये। मैं और रोहिणी ना इतनी देर से यहाँ खड़े हैं, बैकग्राउंड बहुत सुंदर है कि यहाँ फोटो लेंगे, बट जब भी को हम पोस्ट करने लगते तब तक कोई आ जाता है कि एक्सक्यूज में हमारी फोटो ले लो, फोटो ले लो। मैंने कहा रोहिणी ज्यादा देर नहीं यहाँ खड़े रहना पड़ेगा वरना हम दूसरों की फोटो लेते रहेंगे। और अभी रजत और सार्थकी जो गए हैं कि कुछ कॉफ़ी या कुछ गर्म सा हॉट ड्रिंक लेके आते हैं, और मैं और इंदी मौके का फायदा उठाना चाह रहे थे पर हमें मौका ही नहीं मिला। अभी खाली हुई, चल 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 जाओ, आप जाओ पहले। पैसे लो ना फोटो खींचने के। सही बात है, वो देखो कितना बड़ा डियर है, ओ माय गॉड बड़ा था वो ट्री, तो जो वहाँ पे हमने देखा था कम से कम 5-6 फ्लोर जितना ऊंचा था। चले गए हमें पता नहीं लगा कहाँ जाना है। तुम हमेशा फोटोज और वीडियोज में रह जाते हो,
छोड़ के जा रहे हैं। क्या वाइब है भाई साहब यहाँ। एक्चुअली जब हम लोग आए थे ना तो आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि आना बहुत सही टाइम पे है, क्रिसमस टाइम कैनेडा में बहुत सही होता है। अब हमें समझ आ रहा है बिकॉज हम जहाँ रह रहे हैं ना वो मिसिसागा है और ये है डाउनटाउन एरिया टोरंटो का और ये बहुत ही हैपनिंग जगह है। वो थोड़ा सा ऐसा है कि शांति वाली जगह है। यार इसे भी कराओ कोई, ये तो पूरी हिल गई है। चल भाई चल 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 चल। ये क्या है? ये बस इसमें पकड़ो फ्लैश और छोड़ दो, एक स्क्रीन चेंज करते हैं। टीएन टावर है ना? हाँ, यार कलर्स कितने बढ़िया आ रहे हैं अंदर। ओहो हो, माय गॉड। अच्छा ये वही जगह जो पापा हमेशा बोलते रहते थे, नैना के पापा एक्चुअली, ये लोग जब पहले आए थे ना तो पापा बहुत मिस करते इस जगह को, डंडा स्क्वायर, डंडा स्क्वायर। सही है भाई। अरे पीछे देखो हमारे बैकग्राउंड में देखो, ये रात तो लगी नहीं रही है, एक्चुअली वैसे रात तो नहीं हुई है। ये क्या है? ट्रेन जैसी चल रही है, जो ट्रेन वो सामने। अरे मैं यहीं रह गया, रुको। ये स्ट्रीट कार जो ट्रेन की तरह रोड पे चलती रहती है, एक्चुअली ट्रेन ही है ये, छोटी ट्रेन। ये देखो ट्रैक बने हैं ना, इस पे चलती है ये एक ट्रैक है, दूसरा ट्रैक, दो ट्रैक है ना, और इसी पे गाड़ियां भी चलती है ना। हाँ उसके पीछे गाड़ियां भी है देखो। ओए सो कूल। सेल देखते ही रजत पागल हो गया और एकदम से शॉपिंग करने लगे, कहता अच्छे रेट में सब कुछ मिल रहा है। और ये देखते रजत ने ना अभी कम से कम मुझे 5-6 कपड़ों के ट्रायल दिखा दिए। रोहिंदी और सास्ती जीजू को मैंने कहा कि आप लोग जाओ अपना घूमो फिरो, आप लोगों ने तो शादी नहीं किया रजत से, मैंने किया, मैं रुकती हूँ यहाँ पे। सो ये है एक और जैकेट। नहीं रजत ये नहीं लग रही, कुछ खा रहे कैडबरी की चॉकलेट लग रहे हो। एक चीज जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है ना रजत के साथ, वो है रजत के साथ शॉपिंग करना। यार रजत इतना टाइम लगाता है, मुझे ऐसा होता है कि मैंने कुछ देखा मुझे पसंद आया और मैं एकदम से ले लेती हूँ, बट रजत इतने ट्रायल्स करता है कि आप लोग देख ही लो आज तो। ये आई डोंट नो, ठीक सा भी है, बढ़िया है, ये अच्छा है पूरा, पता नहीं। मैंने अभी रजत को ढूंढती ढूंढ के आई और जो मेरे पीछे लड़की है ना वो पूछती आई लुकिंग फॉर समवन, मैंने कहा हाँ, तो कहती द गाय विद टू मेनी क्लोथ्स, मैंने कहा यस यस यस, क्योंकि मुझे लग ही रहा था रजत ही होगा जिसके पास बहुत सारे कपड़े होंगे। और हुआ क्या कि जहाँ उसने मुझे डायरेक्शन दी ना रजत वहीं पर ही मिला, द गाय विद टू मेनी क्लोथ्स। आई डोंट बाय विदाउट ट्राइंग। वेरी गुड। हुआ कुछ फाइनल? ये फाइनल है, ये वापसी। शॉपिंग के चक्कर में जो रजत पहन के लाया था वो भूल ही गया। रजत ये नहीं ले जाइए, ये मेरी है। हाँ तो फिर ये नहीं पहनना अब भाई, इतनी बढ़िया सेल इंडिया में कभी नहीं मिलती। जब हम इंडिया से आए थे ना तो हमें लग रहा था अपने हिसाब से हम काफी गर्म कपड़े लेके आए, बट वहाँ के गर्म कपड़े ना यहाँ नहीं चलने वाले थे, इसलिए मैं और रजत ने आज बहुत बढ़िया बढ़िया जैकेट्स ले ली है। और मेरी जैकेट तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, जब मैं पहनूंगी ना तो आप बताना कैसी लग रही है वो मुझ पे। डू यू हैव पपाया सैलेड? आई जस्ट वेंट टू थाईलैंड रिसेंटली, आई लव पपाया सैलेड, आई लव्ड इट। Yeah, Bangkok is nice, but Pattaya is very nice. Yeah, yeah. Papaya salad, it's spicy. But yeah, it is very spicy. The one with the shrimp or the one with the... The veg one. I am vegetarian. Oh, yeah. It's good, eh? Yeah, it is very good. Kya hai ye? Ye parking ki ticket de rahe na, $28 bade jitne ghante ke liye hum aate hain. वाह, तो अब यहाँ से ये पे कर दो $28, मतलब इंडियन रुपीस कितने वाले देखना, 2600 और ये ऑलमोस्ट 2000। इतनी सी देर की? हमारे तो वहाँ 10 रुपए में हो जाए, 14 रुपए में। शिमला में, लेकिन तुम डाउनटाउन के मॉल में सबसे महंगी पार्टी। अब मैं बताऊँ ना, जब हम शिमला के मॉल रोड जाते हैं तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर 200 रुपए में, तब भी हमें दुखता है। चंडीगढ़ में 14 रुपए की, 14 रुपए की होती है चंडीगढ़ में, तो इनको गाड़ी भी धो के देनी चाहिए, टांगे तो नहीं दबानी। गाड़ियां तो यहाँ ऐसे ऐसे, पोर्श तो यहाँ मजाक है, टेस्ला कितनी देख ली है ना। सो अभी हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है तो खाना खाने आए, और बड़ी अच्छी सी जगह है यहाँ पे, छोटे छोटे से कैबिन जो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है।
इससे ऑर्डर करेंगे या इससे भी कर सकते हैं, कॉल स्टार्ट करेंगे तो आ जाएंगे। इनका बूट इतना क्यूट लगता है इसी कारण हम यहाँ पे खाने, क्योंकि ऊपर रहते थे ऊपर से भी नीचे आ जाओ वॉकिंग डिस्टेंस, काम से जब लेट आना है खाने के लिए। वेरी गुड। ऊपर रहते थे हमसे रोहिंदी का ये मतलब है, पहले इसी बिल्डिंग में रहते थे तो कहते थे यहीं पे हम आते थे। क्या पता क्या ये जगह के बारे में कैसे पता लगा था? हमने एक दिन ऊपर पे ऑनलाइन ऑर्डर करा तो ऊपर वाला ना कंफ्यूज हो गया कि आऊं कहां में, क्योंकि हमारा एड्रेस इसे, फिर हम आपको पता चला कि हमने अपनी बिल्डिंग से ऑर्डर किया, उसके बाद से हम नीचे आते। कोविड में मुझे पता लग गया बहुत फेमस है जगह, फेमस नहीं बहुत डिलीशियस। अच्छा अब तो भूख लग रही है, मुझे भी बहुत ऐसा हो रहा है जल्दी से कुछ ऑर्डर करते हैं। बुला लेना मेरे को टूथपिक चाहिए इसीलिए रख। ओई कौन सी वाली बुला दी? Would you like to call staff? Yeah, I want to call staff. Can I get toothpick? Do you have toothpick by any chance? भाई उन्होंने दे रखी फैसिलिटी तो बुलाना ही चाहिए ना नैना, ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ टूथपिक के लिए आए हैं, इतना कुछ ऑर्डर कर रहे हैं। हाँ एक ही दीदी हमें ऐसा कुछ करने नहीं देती, संस्कारी। हाँ सारे दो नंबर काम करो जो तेरे को शैतानियां करनी है मेरे साथ, ठीक है? थैंक यू। ग्रीन टी कोई इतनी गर्म है पकड़, मुझे ऊपर से पकड़ा हुआ है। उड़ान है, ओए उड़ान सूप, और ये याकी सोबा है। वाओ याकी सोबा, ये थिन नूडल होती है, नूडल ये है। सुशी कैसा है ना? टेस्टी तो है। लड़की कहाँ पे गई? आंसू निकल गए, क्या हुआ? अरे अगर चुप कर, मैं इसको डिसेंट रखना चाह रही हूँ, कोई याद कर रहा था ये याद नहीं। इतने बड़े बड़े सेंटा अपने लगाती है हर साल, और ये हर बार न्यूज़ में होते हैं इनको लगाने के लिए। तो अभी हमने बढ़िया से डिनर किया और उसके बाद ये हमको कौन सी स्ट्रीट पे लाया? एंजलवुड। किसी स्ट्रीट पे लाया है, यहाँ पे सबने अपने घर के बाहर सेंटा लगाया होते। देखो अभी तक इतने लंबे रास्ते आ गया, अभी तक बाहर सेंटा ही दिख रहे हैं। बड़े बड़े सेंटा है, इस साइड भी है उस साइड भी है, दोनों साइड पे सेंटा। देखो सामने तुम्हारी साइड कितने बड़े बड़े आ गए। ये खड़ी है सामने हमारे इंतजार में। कोको यार जब हम पहुंचे ही थे ना कनाडा, तो रोहिंदी वगैरह हमको लेने एयरपोर्ट पे आ गए थे, और वहाँ पे वो पूछते क्या तुम थके हो, कहीं घूमने फिरने चलना है? हमने कहा हम क्यों थकेंगे, पूछते तुमको जेट लैग नहीं हुआ? हमने कहा अरे वो क्या होता है, हमें नहीं हुआ कुछ जेट लैग, चलो चलो घूमने चलते हैं। तो हम इतने ओवर एंथुजियास्टिक थे कि उस टाइम घूमने निकल गए, और उसके बाद हमने जेट लैग को बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया। और अगले दिन हुआ क्या कि जब हम फिर से घूमने गए ना, तो 4-5 बजे हमको गाड़ी में ज़बरदस्त नींद आने लगी, बिकॉज ऑफकोर्स जेट लैग था हमको। और उसके बाद क्या होता था, जो इंडिया की सुबह होती थी ना, उस टाइम पे हमको वॉशरूम आता था, और यहाँ की वो मिडनाइट होती थी, मिडनाइट को हम वॉशरूम जाते थे, और फिर ऐसे रात को बैठ जाते थे, एक दूसरे की शक्लें देख रहे होते थे, क्योंकि उसके बाद तो नींद नहीं आती थी। और अभी भी यही हाल हो रहा है, मैं और रजत की आँखें एकदम बंद हो रही है, इतनी तेज नींद आ रही है ना। बट रोहिणी दीदी आई है यहाँ पे, और क्या कह रही है, कल तुम दोनों को पकड़ के मैं अपने घर की सफाइयां करवाने वाली हूँ। वो मतलब हमारा पूरा पूरा फायदा उठा रही है, हम जैसे मासूम बच्चों का फुल ऑन नजायज फायदा उठा रही है। ये भी बता के गंद किसका है? हमारा ही है। जिसका घर हमने तो थोड़ा इधर को उधर घुमा के दिखाया, नहीं और उसके बाद अगर उस कमरे में जाएगा तो कुछ नहीं है, ये बस ऐसी है, दिखा के एडिट करके डालिए फोटो। हां हां एडिट करके डालिए, रोहिणी की एडिटिंग इतनी अच्छी आपने देखा ही होगा, अपने ब्लॉग में 10-10 दिन में डाल देती। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। मेरी बहन मेरी नकल उतारी है, बिकॉज ये नकल की बंदर है। और आप लोग प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें जितना ज़्यादा हो सकता है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गुड नाइट।